কিছু বলার প্রশ্ন ये मेरे घर की स्थिति लीजिए, ये घर की मेरी स्थिति है और मेरे घर का आप चल दिखाते हैं घर से। आज जो समाज के सब ठेकेदार हैं, बड़ी बड़ी लोग बातें कर रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा अगर अपराध था, जब भी ये हमारे गणेश कोल का घर है, इधर दिखाओ, ये गणेश कोल का घर है और ये हमारा घर बना हुआ है, इधर दिखाओ, ये मेरा घर पूरा गिरा दिया गया, एक एक ये पूरा यहाँ से, ये एक हैंडपंप था इसको नष्ट कर दिया गया था, और पहले दिखा दो पूरा था, कहाँ एक इंच जमीन कहीं, एक इंच कहीं जमीन हो, 25-30 पेड़ यहाँ लगे हुए थे, बीही के 25-30 पेड़ और आम के पेड़, ये सब नष्ट कर दिए गए, और दो इमारती घर बना हुआ था हमारा, करीबन 2 करोड़ से ऊपर की लागत से घर बना हुआ था, जिसमें से हमारी लागत थोड़ी लगी थी, इसमें हमारे पिताजी की जीवन भर की कमाई लगी हुई थी, तो उनकी इस परिस्थिति में घर गिराया गया, दोष उनका क्या था? अगर अपराध के हिसाब से घर गिराने के लिए कोई प्रोसीजर था तो फिर इसमें से अपराधी मैं था तो मेरे परिवार के साथ ऐसा फिर क्यों हुआ? आज जो बड़ी बड़ी बात पूरे समाज के लोग कर रहे हैं कि अपराधी जो भी हो घर कैसे गिर गया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ मेरी परिस्थिति देखिए, मेरा घर किस प्रकार से गिरा दिया गया, इसमें से तो मेरी लागत भी नहीं लगी हुई थी, कुछ पैसे हमने लगाए थे, बाकी पूरी लागत हमारे पिताजी की लगी हुई थी। अब जब उनकी पूरा आज तक का रिटायरमेंट का पैसा, जितनी भी आज तक की कमाई थी, सब इसमें उन्होंने लगा दी थी, आज उनके पास एक पैसा नहीं है, वो बीमार स्थिति मरणासन्न थे, तब इस घर को गिरा दिया गया। यहाँ से देखिए, ये जंगल विभाग की यहाँ से नोटिस हमको दिया था, और ये पूरा घर इधर दिखा, ये पूरा घर राजस्व में बना हुआ था, ये पूरा घर मेरा तीन हाथ छोड़ के पूरा घर हमारा राजस्व में, जिसके राजस्व में मेरी कभी भी नोटिस नहीं कटी, राजस्व का मैं 15 साल से जुर्माना और रसीद कटवा चुका था, कभी राजस्व से हमको घर गिराने की नोटिस नहीं आई। ये जंगल विभाग का इतना घर फंसा था, और देखिए घर की स्थिति क्या हुई, जंगल विभाग ने हमको घर गिराने की नोटिस दी थी, जिसमें हमने कहा था ठीक है कोई बात नहीं, हमने कानून का सहारा लिया, हाई कोर्ट में हमने पिटीशन दायर की, वहां से हमको स्टे नहीं मिला, मानते हैं जंगल विभाग में फंसा हुआ मेरा घर गिर जाए, उसमें से मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये घर पूरा, ये राजस्व का पूरा घर, यहाँ मंदिर फॉरेस्ट में मंदिर को नहीं गिराया गया, क्योंकि मंदिर गिराने में बड़े बड़े नेताओं की फटती है, और इसमें जितने नेता जो हाथ लगा के हमारे साथ अत्याचार किए हैं प्रशासन का सहारा लेके, ये आज जवाब मैं मांगता हूँ सभी जनता जनार्दन से मांगता हूँ। आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, आज बहुत सारे चैनलों में एक छोटी सी घटना को लेके सीधी में पूरे भारत में उजागर किया जा रहा है, मैं भी पूछता हूँ मेरे साथ क्या इंसाफ, कोई इंसाफ के लिए खड़ा हुआ, कोई बोला, मैं कितना गलत था, कितना समाज से मैं कितना टूटा हुआ आदमी था, मैं 10 साल सरपंच रहा, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य मेरी मैडम है, और ये घर मेरे साथ गिराया गया, जिसमें हमारे माता पिता की स्थिति मरणासन्न थी, माँ की तबीयत खराब थी, पिताजी तो बिल्कुल ही मरणासन्न थे, छोटे छोटे बच्चों को घर से निकाल दिया गया और हम को जेल में डाल दिया गया, घर रहने के लिए आम के पेड़ में 3 दिन हमारे माता जी और मेरे बच्चे, पिताजी हॉस्पिटल में थे, 3 दिन हमारे रिश्तेदारों के सहारे आम के पेड़ के नीचे सोए हैं, इसके बाद कैसे भी सहारा करके एक छोटा सा घर बना के उसमें रहने के लिए आज भी हम मजबूर हैं, क्योंकि हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, जितना भी पैसा था इसे लगा दिया गया, हमने घर बनवाने में पूरा पैसा अपना खर्च कर दिया,
और जो भी पापा जी रिटायर हुए उनका पूरा पैसा और उनकी जो भी जमा पूंजी थी सब हमने इसको अच्छा एक आसियाना बनाया था, जिसमें से हमारी करीबन 1.5 से 2 करोड़ की लागत लगी हुई थी। तो आज मैं पूछता हूँ सबसे कि मेरे साथ कितना अच्छा हुआ, मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, मैं बड़ा असामाजिक व्यक्ति था, और आज जो सामने हुआ है, आज जो मदद समाज से की जा रही है, आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो वो सब अच्छे लोग हैं। उनका थोड़ा सा घर गिरा तो वो पूरा लोग मदद करने के लिए तैयार है। मैं पूछता हूँ मेरी मदद के लिए कोई खड़ा हुआ? लोकतंत्र पूरा, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक भी इंच जमीन नहीं है जहाँ पैर यहाँ रखा जा सके। पूरा 2 मंजिला घर जमींदोज कर दिया गया। अब हाथ जोड़ के मैं जनता जनार्दन से यही कहना चाहता हूँ, इसका अब आप लोग ही जवाब दे सकते हैं, और जो घर गिरा है उसके बारे में भी आपको विदित है, और जो परिस्थितियाँ सामने खड़ी हैं वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और मेरा भी हिसाब होना चाहिए। जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि इसका जवाब अब आपको लेना है। मैं किसी से भी मांगने नहीं जाऊंगा, मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि अब आपके मत्थे ही मेरा बदला पूरा होगा। आप ही हमारा एक लास्ट मतलब भावना से मैं भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि ये घर तरफ मैं आता भी नहीं हूँ। जब से घर गिरा है मैं वहीं नीचे ही रहता हूँ, कभी यहाँ ऊपर आता नहीं हूँ। लेकिन बस आपसे यही अपील है कि मेरा बदला वो आपका बदला है, और मुझे न्याय दिलाने का महान कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। ये देख लीजिए मेरे साथ कितना अत्याचार हुआ है। एक भी सामान मेरा नहीं निकाल पाया मैं। ये पूरा घर इस प्रकार से बड़े बड़े ब्ली बिल्ड काम के वो लेके आए थे, जिससे कंक्रीट तोड़ी जाती है, इस प्रकार से मेरे घर को नक्श नाबूद कर दिया गया है। ऐसे किया गया है कि आप देख सकते हैं, जैसे बिल्कुल पर्सनल बदला के लिए ही मेरे साथ इस दुर्व्यवहार करने के लिए पूरा प्रशासन खड़ा हुआ था। आप सब देख लीजिए ये हाल हमारा हुआ है। फिर न्याय करिए, ये हाल मेरे घर का है। ये बगल का कोल का घर है, हमारे बगल से सटा हुआ बना हुआ है, ये कोल का घर है, और ये इस घर में बना के हमारे माता पिता को रखा गया था, आज भी इसी में रहते हैं। आज भी मेरी स्थिति वही है, इस घर में मेरे माता पिता भी रह रहे हैं। इस घर में अभी रीवा दवाई कराने के लिए गए हैं, इस घर में वो रह रहे हैं, और आपको दिखा दूं मैं भी परिस्थिति, आज भी इस घर में ये सार थी हमारे पहले, इसमें आज हम अपने बच्चों के साथ अपनी पत्नी के साथ मैं आज भी इसी में रह रहा हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आगे आप स्वयं समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।